इंडिया के रिजल्ट आ गए, मुनाफा जबरदस्त बढ़ के आया, फुल स्क्रीन पे लगे 16,995 करोड़, 15,170 करोड़ का अनुमान था, उससे भी ज़्यादा स्टेट बैंक का मुनाफा निकल के आया है, स्टॉक 0.25% ऊपर है। सुमित जी को बुलाते हैं, चूँकि उन्होंने इसका पोल किया था, उन्होंने अनुमान लगाया था क्या हो सकता है, उनसे बातचीत करेंगे। तो अनुमान से तो बेटर यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, और ये ऐसा अनुमान था कि बहुत ज़बरदस्त बैंक का मुनाफा है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा बैंक ऑफ बड़ौदा से लग गया था कि जो उसने नतीजे पेश किए थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो ऐसा अंदाज़ा था कि इसका भी नतीजा लगभग ऐसा ही आएगा, और बहुत ही शानदार नतीजे आते हुए आपको दिखेंगे। 588 रुपये इस वक्त ट्रेड कर रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेटर है, और इसी पे बातचीत हम लोग करते हैं। मैं सर अजीत काबी जुड़े हुए हैं। काबी सर, बहुत प्रिलिमिनरी नंबर है, कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट ये? सी, अभी जब मैंने देखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सारे चीज़ें, तो प्रॉफिट अच्छा उनका ग्रोथ किया है, इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी अच्छा लग रहा है प्रोफॉर्मा नंबर्स पे, ठीक है। GNPA नंबर्स जो है बहुत ही काफ़ी कम आए हैं, NNPA नंबर भी कम हुआ है, और रिटर्न और जो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी अच्छा रहा है, बड़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो अभी तक जितना प्रोफॉर्मा नंबर्स दिख रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, और अभी मैनेजमेंट कमेंट्री जो 5 बजे होने वाली है उसके ऊपर हम टिप्पणी की, मतलब उससे हमें फ्यूचर आउटलुक के बारे में थोड़ा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि 2024 जो है बैंक्स का वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें देखना होगा कि किस तरह से उनका फ्यूचर गाइडेंस रहता है। NNPA का 0.77 से घटकर 0.67 क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ गए, और जो ग्रॉस एनपीए वो 3.14 से घटकर 2.78 आ गए। अच्छा, ये जो आपने अनुमान लगाया होगा उसके मुताबिक है या आपके अनुमान से बेटर है? सी, मेरे अनुमान के हिसाब से एनपीए लेवल सही है, मुझे अभी तक थोड़ा एडवांसेस ग्रोथ कितना रहा है उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना बाकी रहा है, एडवांसेस और डिपॉजिट का ग्रोथ और CDR लेवल जो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसको दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो बाकी के हिसाब से जितने प्रोफॉर्मा नंबर्स दिख रहे हैं मुझे वो उसके उसको अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है। प्री पोजिशनिंग दे दिया, स्टॉक 1% नीचे आ गया, लोगों का ऐसा वो आज प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म आउटलुक हमें पता चलेगा, ठीक है। अभी पहले सुबह से तो अच्छा वो बुक कर, मतलब अच्छा रैली दे रहा था, ग्रीन में था, पर अचानक रिजल्ट्स के बाद हो सकता है, क्योंकि बाई साइड आप देखेंगे वहाँ पे सेल पे बहुत सारे वॉल्यूम इकट्ठे थे NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे। हाँ, क्योंकि लोगों को अंदाजा लग जाता है कि नतीजा बहुत बढ़िया आने वाले हैं, तो प्री पोजिशन हो ही जाती है उसमें ना, तो इसी पोजीशन से। हाँ, वो होता है। ओके, बाकी सारी चीजें तो नंबर्स पे मुझे तो अच्छी लग रही है। हाँ, ठीक, वो मुझे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना थोड़ा बाकी रहा है, तो मैं उसको देख के ही हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, पर जहाँ तक प्रोफॉर्मा नंबर्स दिख रहे हैं दे आर गुड, अच्छे हैं। ओके, तो अब तक के जो नंबर आए हैं अजीत को अच्छे लग रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या उससे स्लाइटली बेटर है, लेकिन जब डिटेल नंबर आएंगे कि एसेट क्वालिटी और कैसी हुई है, कितना स्लिपेजेस हुआ, कितना प्रोविजनिंग की है, क्रेडिट ग्रोथ किस सेगमेंट में कितनी आई है, ये सब डिटेल नंबर आने के बाद एक व्यू बनेगा कि इस पर कॉल क्या दी जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल